हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 3x3 का सुडोकू। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो 3x3 का सुडोकू सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये फर्स्ट रो देखनी होगी। तो दोस्तों फर्स्ट रो में आपको वन नंबर फिल दिया है, तो बचे कितने? ओनली दो नंबर, टू एंड थ्री। हमें फिल करना होगा पहले टू। तो इसमें आप इस वाले बॉक्स में तो टू फिल नहीं कर सकते, क्योंकि टू जो है यहाँ पे दिया है, तो हमें टू यहां फिल करना पड़ेगा। तो टू हमने यहां फिल कर दिया, अब बचा कौन सा नंबर? थ्री। तो हम थ्री यहां पे फिल कर देंगे। सो देन गाइस, अब इतना हमारा फिल हो चुका है। अब हमको क्या करना है, आप देखेंगे इसके और इसके बीच में ओनली एक नंबर बचा है हमको फिल करने के लिए, और वो आता है वन। तो हम सिंपली यहां पे वन फिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे ये वाला नंबर, ओनली एक बॉक्स बचा है। तो यहाँ पर भी वन बचता है, तो हम यहाँ पे भी वन फिल कर देंगे। अब ये और भी सिंपल हो गया, क्योंकि वन एंड थ्री यहाँ पे फिल है, तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, सिंपली टू। फिर इसके बाद यहाँ पे वन एंड टू फिल है, तो नेक्स्ट नंबर थ्री होता है, तो हम थ्री यहाँ पे फिल कर देंगे। तो अब इस प्रकार देख सकते हैं, हमारा कोई भी नंबर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में सेम नहीं आया। इसमें भी देखिए वन सेम नहीं, इसमें भी वन सेम नहीं, ना टू सेम है। तो इस तरीके से हम 3x3 का सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके का और सुडोकू है ये, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले रो हम लोगों को सॉल्व करनी है। कोई भी आप सुडोकू सॉल्व कीजिए तो उसमें पहली रो हम लोगों को सॉल्व करनी होती है। तो इसमें जो है एक कोठा बचा है फिल करने के लिए, मतलब वन बॉक्स, तो वन एंड टू फिल है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है? थ्री। तो यहाँ पे हम सिंपली थ्री फिल कर देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसके और इसके बीच में एक नंबर बचता है, तो वन एंड थ्री जब फिल्ड है तो यहाँ पे ओनली एक नंबर बचेगा, वो है अपना टू। तो यहाँ पे हम टू फिल कर देंगे। फिर उसके बाद अब इसके नीचे हमको दो नंबर फिल करने होंगे, तो वन के बाद टू एंड थ्री आता है, तो हम टू फिल करना चाहते हैं। तो टू अगर हम इसमें फिल करेंगे तो यहाँ पे टू दिया है, तो हम इसमें यहाँ पे टू फिल नहीं कर सकते, तो टू हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो टू यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर उसके बाद इसके भी और इसके बीच में बचा कौन सा नंबर? एक। तो वन एंड टू भरा है, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? थ्री। तो थ्री यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर उसके बाद अब सिंपल हो गया है, जब टू एंड थ्री भरा है तो यहाँ पे वन फिल कर देंगे। यहाँ पे वन एंड टू फिल्ड है, तो यहाँ पे थ्री फिल कर देंगे। तो इस तरीके से हमने आज दो सुडोकू सॉल्व कर लिए 3x3 के। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसको सीख सकें, और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।